सब्सक्राइब कीजिए टेक बार को और ज्वाइन कर लो हमारी टेक गैंग को, हम क्वालिटी में लीड रखते हैं। हेलो, मेरा नाम है संजय सर, आप देख रहे हैं टेक बार। भाई फिर से बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी। मैं जल्दी से यार टीम बढ़ा रहा हूँ और आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रेगुलर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और मैं पता नहीं क्यों इतना तेज बोल रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कमेंट्स में कि भाई बहुत तेज बोलते हो। चलो आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। और मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ मल्टीपल कैमराज के बारे में। जो स्मार्टफोन में इतने सारे लेंसेज देखने को मिल जाते हैं, क्या इनका सच में यूज है या फिर ये फ्यूचर स्कोप इसका क्या है? बहुत सारे क्वेश्चन है यार लोगों के। उससे पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनो कि रिसेंटली LG ने बहुत ही मस्त पेटेंट रजिस्टर किया, जिसके अंदर अपने फोन के अंदर 16 कैमरे डालेंगे कॉनकेव शेप के अंदर, जो कि बहुत मस्त फोटोज लेने वाला है। मैं श्योर हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। चलो जानते हैं कि भाई मल्टीपल कैमरेज का यूज क्या है। आज आपके सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ हर एक चीज को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चीयर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा भाई, आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का, पूरा कर देना भाई, प्लीज पूरा कर देना, मजा आ जाता है बिल्कुल। चलो अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल लेंस के बारे में। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी A9 के अंदर हमें 4 कैमरे देखने को मिलते हैं। तो भाई मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले इनका यूज क्या है। जितने भी ये लेंस है ना, इनकी एक अलग अलग जूम रेंज है, और जितनी अलग अलग जूम रेंज होगी ना, उतनी ही अलग फील होगी फोटोज की, उतने अलग पर्सपेक्टिव होंगे। एग्जाम्पल समझो, अगर मैं बात करूँ DSLR के बारे में, अगर आप किसी प्रोफेशनल बंदे को जानते हैं जो फोटोज खींचता है फिर वीडियोस बनाता है, तो वो ज्यादा खर्चा करेगा लेंस के ऊपर, ना कि भाई कैमरे की बॉडी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो लेंस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वही आपकी वीडियो या फिर फोटोज को एक अलग अलग फील देगा। एग्जांपल समझो, अगर मैं आपको भाई अपनी लेंस की फोटोग्राफी करनी है, आपको बहुत ही वाइड एंगल अपनी शॉट्स लेने हैं, तो ऑब्वियसली आप क्या 10mm वाला लेंस पकड़ोगे या फिर 18mm वाला? DSLR की बात कर रहा हूं। और ऐसे ही अगर आपको पोर्ट्रेट शॉट खींचने हो, तो भाई आप जरा जूम रेंज वाला लेंस को लोगे, जिससे भाई आपको ज्यादा ब्लर देखने को मिले बैकग्राउंड में, और अगर एपर्चर उसका बड़ा है तो भाई और भी ज्यादा ब्लर देखने को मिल जाता है। ज्यादा जूम रेंज होने का एक और फायदा होता है कि भाई पूरा बैकग्राउंड जो है कंप्रेस हो जाता है, कम से कम चीजें पीछे की तरफ दिखाई देती है, और कम से कम चीजें आती भी है, जिससे भाई सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस बनता है और अटेंशन भी पूरी उसी बंदे को मिलती है, और ऑब्वियसली भाई ज्यादा शार्प भी हो जाती है चीजें। तो यहां से आप एक चीज को समझ सकते हैं कि भाई जैसे सैमसंग गैलेक्सी A9 के अंदर हमें एक टेलीफोटो लेंस मिला और एक अल्ट्रा वाइड मिला है, तो टेलीफोटो वाला जो है आपके पोर्ट्रेट शॉट में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, थोड़ी सी बैकग्राउंड को आपको कंप्रेस कर देगा। और अगर मैं बात करूं अल्ट्रा वाइड की, तो भाई वो आपको लेंस के फोटोग्राफी में हद से ज्यादा हेल्प करेगा। तो भाई यहां से आप ये चीज तो समझ सकते हो कि भाई हाँ, मल्टीपल लेंस होना यार बहुत यूजफुल चीज है, और ये कोई नई चीज नहीं है। इनफैक्ट DSLR से उठाया हुआ एक कंसेप्ट ही आप समझ सकते हो। अब भाई मैं शोर नीचे कोई ना तो कोई कमेंट कर देगा भाई जो गूगल है वो सिंगल कैमरे से आपको हर एक शॉट लाके दे देते हैं, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो, पोर्ट्रेट हो या फिर नॉर्मल फोटोज, और बहुत अच्छी फोटोज आती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो अपने गूगल है उसके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वे बहुत बहुत अच्छे है। इनफैक्ट जो एंड्रॉइड है वो गूगल के, तो भाई उनके पास हर एक एल्गोरिथम है चीजों को बेटर से बेटर बनाने के। तो भाई यहां से आपको एक फैक्ट समझ लो कि सॉफ्टवेयर के मामले में गूगल से अच्छा भाई कोई भी नहीं है, और आप इस सेम चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सैमसंग और एप्पल से। क्या पता भाई उनके पास इतने से सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या ना हो। तो यहां से आपको एक बात समझ आएगी कि भाई हर एक कंपनी के बस की बात नहीं कि भाई सॉफ्टवेयर को इस लेवल पहुंचा सके गूगल की तरह। तो उसकी जगह पे अल्टरनेट सॉल्यूशन का ये निकल कर आता है कि भाई अलग अलग लेंस लगा दो, अगर आपको एक अलग अलग पर्सपेक्टिव वाली फोटो चाहिए हो। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं गैलेक्सी A9 की, तो भाई इसके अंदर एक टेलीफोटो लेंस है आपके पोर्ट्रेट शॉट लेने के लिए, एक अल्ट्रा वाइड है बहुत ही वाइड एंगल शॉट्स लेने के लिए, और एक नॉर्मल कैमरा है जो कि आपके हर एक फोन में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूं यूजफुल की भाई ये काम की चीज है फिर नहीं, तो भाई हाँ बहुत बहुत काम की है। अगर आप इस फोन को यूज करना शुरू करोगे ना, इसको क्या भाई कोई भी फोन आता है जिसमें 3-4 कैमरे हो, जैसे आप उनको यूज करना शुरू करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये वाली फोटो मेरे को टेलीफोटो लेंस से लेनी चाहिए, ये वाली फोटो मुझे अल्ट्रा वाइड खींचनी है, जो कि सच में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टफुल फोटोज ला के देंगे। बाकी आप लोगों को मैं एक और चीज बताना चाहूंगा भाई, बहुत सारे लोग जो है ना फोन खरीदने के बाद, चाहे वो सिंगल कैमरा क्यों ना हो, लेंस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं। भाई फोन के लिए एक अलग से लेंस आते हैं, चाहे वो कवर के अंदर फिट होते हैं जो कि आपके पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं, मैक्रो शॉट्स लेते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। और अगर कंपनी पहले से ही अलग अलग लेंस दे देगी अलग अलग जूम रेंज वाले, तो भाई ऑब्वियसली ये चीज यूजफुल होगी ही होगी। अब इन सारी चीजों का ना एक और सॉल्यूशन निकल कर आता है मॉड्यूलर स्मार्टफोन का। बहुत ही पहले कंसेप्ट निकल कर आया था कि आप अपने कैमरे को रिमूव कर सकते हो और दूसरा कैमरा लगा सकते हैं, ऐसी बैटरी को रिमूव कर सकते हैं, या फिर अलग अलग एक्सेसरीज लगा सकते हैं अपने फोन के ऊपर ही, उसे मॉड्यूलर स्मार्टफोन बोलते हैं। मॉड्यूलर का मतलब यहां पर हुआ जिसमें आप मॉड्यूल्स लगा सको। अब मॉड्यूल क्या होता है उसको मैं एग्जांपल समझाता हूं। मिक्सी का एग्जांपल लेते हैं, अगर मिक्सी आप यूज करते हो, अगर आपको बहुत ही छोटी चीज पीसनी हो तो आप छोटा ग्लास लगाते हो उसके ऊपर, तो वो एक मॉड्यूल होगा। अगर आपको कोई बहुत सारा सामान को पीसना हो तो आप बहुत बड़ा ग्लास लगाते हो उसके ऊपर, तो ऐसे ही वो अलग अलग मॉड्यूल है इस मिक्सी के। तो ऐसे ही कंसेप्ट आया था मॉड्यूलर स्मार्टफोन का, जिसमें आप अलग अलग मॉड्यूल्स लगा सकते हो। तो भाई बहुत ही कमाल का कंसेप्ट था, पता नहीं
क्यों फेल हो गया, फिर उसको आने में देरी हो गई, या फिर हो सकता है फ्यूचर में आए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा स्मार्टफोन इंडस्ट्री को। तो भाई क्विक रिकैप करते हैं कि भाई आपने आज क्या क्या समझा। सबसे पहली बात भाई, सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और सिर्फ गूगल के बस की है अच्छे अच्छे लेवल पे सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना। और दूसरी बात आपने समझी कि भाई हाँ, मल्टीपल कैमरा होना बहुत ही यूजफुल चीज है। अगर मल्टीपल कैमराज हुए तो आपको अलग अलग टाइप की फोटोज देखने को मिलेगी, चाहे वो टेलीफोटो लेंस से हो, या फिर नॉर्मल से हो, या फिर अल्ट्रा वाइड से हो। और तीसरी बात आपने समझी कि भाई आज आपको टेक बार को सब्सक्राइब करना है, बहुत ही मस्त वीडियोस बनाता है संचय शौकीन। तो भाई जल्दी से लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, मजा आ जाएगा। तो होप यार आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया हो। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर जरूर करना है और सब्सक्राइब करके हमारी टेकिंग को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं, अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।